चलिए रुके चलिए रुके चलिए अजी माया तेरे नाल के सिए। बहुत ही मेरी सुरीली आवाज है, माशाल्लाह बड़ी सुरीली आवाज है जी। ते मैनू अपनी आवाज ते इतना एक नाज सी के जिवें किसे नू होंदा है। बेटा तू मंग क्यों रहा सी, एक वीडियो तेरी वायरल है, तू मंग रहा सी, मंगना क्यों है? एक मजबूरी आई, परेशानी। ते गरीब है ना, गरीब है के ए काम कर दे। देर कमावे ना, कोई गरीब कमावे कई अमीर को, तो अमीर देंदा कितने 20 रुपए 20 दी कई समदी पई। वत गरीब आंदा बे मैं इस मंगण वाले काम ते लगा, वत मैं मंगना हूं 1500 बनदा है घर दा टला ते सुरकोट चले ना। मेरी बहन आके आके सा मंगू, मैं कह नहीं तू सा धी दियाने एक बेटी तू सा जड़ी घर रमण वाली जड़ी शादी होंदी है, मैं कह ओ चीज है तू तेरे सिर ते दुपट्टा ना आवे ना। ते इने कह अबू जी मैं तू घर बैठे मैं जड़ा पिया मैं तेरे वास्ते सारा कुछ देंगा। इस बच्चे ने कहा कि तुसी घर बैठो मैं खुद कमावांगा, मैं खुद कमावांगा जी। दसर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते कानों को मुदस्सिर का सलाम। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला नन्हा बच्चा, उसके आज वालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। हंसते चेहरे के पीछे रोती जिंदगी, अपनी आवाज़ से अपना घर चलाने वाला नन्हा बच्चा आज किस हाल में है। मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, सोशल मीडिया पर इसकी आवाज़ मैं कहता हूँ आग की तरह वायरल है। ये उन सिंगर को गाते हैं जिनको गाना बहुत मुश्किल है और इस एज में उनको गाना एक सवालिया निशान भी है। वालिद साहब से बात करेंगे आखिर ये फूल जैसा बच्चा भीख क्यों मांगता था और फ्यूचर में इसका लाइफस्टाइल क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की नाम है अपना? कैसर अब्बास। कैसर अब्बास भाई बड़ी मेहरबानी, कीमती टाइम दिता। बच्चा थोड़ा बहुत वायरल है, बड़ी वड्डी आवाज है। ये बच्चा एक भीख मांग रहा है, वीडियो एक रैंडम शूट की गई है तो उस बाद वीडियो की बहुत वायरल है। मैंने पहले दसो कि बच्चा इस उम्र च मंग क्यों रहा है? बस कोई सर मामलात होंगे ने अपने अपने, कोई मजबूरियाँ ऐसा तो गुरबत जी सू इस काम से मजबूर कर दिता बी असं चलो घर का मामलात चला भी है। मैं कोई थोड़ी जी लत तो मजबूर हाँ कमा नहीं सकता, तो इन्हें कहा अबू जी मैं तू घर बह तो मैं जड़ा पी मैं तेरे वास्ते सारा कुछ देंगा। इस बच्चे ने कहा कि तुम घर बैठो मैं खुद कमावा, मैं खुद कमावगा जी। चलो इन्हें कमाना की सी, बस लोगों दौड़े माइए सुना के तो कोई 1500-2000 लेके आना घर का सर्कट चलना। किन्ने बच्चे ने माशाल्लाह, किन्ने बच्चे? मेरे माशाल्लाह एक यही बेटा है, लौता बेटा है मेरा, ते तीन बेटियां ने मेरी। हाँ जी, इको बेटा है तीन बेटियां जी, इको बेटा तीन बेटियां हर बार अपना है माशाल्लाह जी। जिन्हें वो किसी के पास बैठिया सी, यानी कि किसी के रियाय बैठिया जिमीदार दे। ठीक ठीक ठीक, जिमीदार दी जगह छिते बैठे। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने काम शाम घर छड्या ते रह। हाँ जी हाँ जी, उथे उन्होंने काम कर छड्या ते रह लिया बस। अच्छा नौजवान की हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक से? ठीक है। ठीक, परेशान तो नहीं हो? नहीं। अच्छा तुसी बेटा तू मंग क्यों रहा सी, एक वीडियो तेरी वायरल है, तू मंग रहा सी, मंगना क्यों है? एक मजबूरी आई, परेशानी। ते गरीब है ना, गरीब है के ए काम कर दे। देर कमावे ना, कोई गरीब कमावे कई अमीर को, तो अमीर देंदा कितने 20 रुपए 20 दी कई समदी पई। वत गरीब आंदा बे मैं इस मंगण वाले काम ते लगा, वत मैं मंगना हूं 1500-1500 बनदा है घर दा टला ते सुरकोट चले ना। मेरी बहन आके आके सा मंगू, मैं कह नहीं तू सा धी दियाण एक बेटी तू सा जड़ी घर रमण वाली जड़ी शादी होंदी है, मैं कह ओ चीज है तू तेरे सिर ते दुपट्टा ना आवे ना, अल्लाह बहुत नाराज होंदा है। मैं कह मैं आप कमेसा जेड़े मैं फर खर्चा लैम सा कई तुहानू देसा कई आटा लैते घर रोटी खाते। नाज़रीन इस बच्चे की आपने बातें सुनी हैं, मेरा तो यकीन करें दिल फट रहा है इस बच्चे की बातें सुन के। कह रहा है कि आप लेडीज हैं, आपके सर से दुपट्टा नीचे नहीं होना चाहिए। मैं इस एज में जाऊंगा कमा कर लाऊंगा, अपनी आवाज़ का जादू दिखाया और भीख मांगनी शुरू की और ये बच्चा सोशल मीडिया पर इस टाइम जीनत बना हुआ है। मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि इसको इंडिया से भी देखा जा रहा है और यूके कनाडा यूएसए से भी देखा जा रहा है, ओवरसीज भी इस बच्चे को बड़ा पसंद कर रहे हैं। इस बच्चे की बातें लगती नहीं है कि ये बच्चा है, लेकिन हालात से पहले ये उस्ताद बन गया है। अच्छा मुझे दसो
ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਗਾਓ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢੋਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਢੋਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੰਨ ਸਰਦਾਰ ਵੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਗੇ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਡਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੰਨ ਸਰਦਾਰ ਵੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੜ ਗਈਆਂ ਸ਼ੀਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਡਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਵੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾਓ ਆਪਣਾ ਫਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਮੋਟਰ ਵੇ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵੇ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵੇ ਤੇ ਬਸ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਓ ਕਸਮੇ ਜਸ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਓ ਕਸਮੇ ਜਸ ਆ ਗਈ ਰੁਕੇ ਚਲੀਏ ਰੁਕੇ ਚਲੀਏ ਰੁਕੇ ਚਲੀਏ ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਏ ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਏ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਮਾਇਆ ਮੋਟਰ ਵੇ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵੇ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵੇ ਤੇ ਬਸ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਯੇ ਦੇਖੇ ਆਜ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਫਰੇਮ ਮੇ ਥੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਯੇ ਬੱਚਾ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਖਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਗੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਸ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਯੇ ਥੀ ਵੋ ਫੈਮਿਲੀ ਯੇ ਥੇ ਵੋ ਬਾਪ ਯੇ ਥੇ ਵੋ ਬੇਟਾ ਔਰ ਆਜ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਕੇ ਸਾਥ ਸਕਰੀਨ ਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਦਾਰ ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਕਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਸੀ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਦੱਸਰ ਕੋ ਜਾਤੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ ਮੁਦੱਸਰ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ ਸੁਣਦੇ ਗਾਣੋ ਕੋ ਮੇਰਾ ਅਸਲਾਮ